हाय फ्रेंड्स, मैं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं सो सॉरी मैन। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि दुबई का एक कुत्ता हिंदुस्तान के अंदर आया तो हिंदुस्तान वाले कुत्ते बोलते हैं दुबई वाले कुत्ते को कि आप दुबई क्यों छोड़ के आए हो। दुबई में तो बहुत लग्जरी लाइफ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर तरीके से आप वहाँ पर संपन्नता से आपकी सेवा की जाती है, फिर आप इंडिया के अंदर क्यों आए हो। तो दुबई वाला कुत्ता बोलता है इंडिया वाले कुत्ते को कि जो भौंकने की आज़ादी इंडिया में है वो दुबई में नहीं है, इसलिए मैं दुबई से इधर आया हूँ। तो दोस्तों, हमारे देश में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में जब योग और वंदे मातरम जैसी चीज़ों को कट्टरपंथी धर्म के चश्मे से देखते हैं, भला ऐसे में भारत में श्रीमद् भागवत गीता को स्कूल में पढ़ाया जाना संभव कैसे हो सकता है। लेकिन एक अरब देश ऐसा भी है जिसने श्रीमद् भागवत गीता को एक विषय के रूप में कॉलेज में पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि दुबई की एक यूनिवर्सिटी ने श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। दुबई के लोग गीता पढ़ भी रहे हैं तथा उस पर परीक्षाएं भी दे रहे हैं। सोचिए, यही कार्य अगर भारत में होने लगेगा तो तथाकथित सेक्युलर तथा वामपंथी कैसे कैसे कुतर्क देंगे। गीता का ज्ञान किसी अन्य धर्म की धार्मिक पुस्तकों की तरह नहीं है जो किसी धर्म विशेष के लिए हो। गीता का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए है। कुरान इंसान को मुसलमान बनाती है, बाइबिल इंसान को ईसाई बनाती है, किंतु जो गीता को पढ़कर उसका अनुसरण करता है, गीता उसे सच्चा इंसान बनाती है। आपको बता दें कि यूरोप के भी कई देशों में हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने लगे हैं, परंतु भारत में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि दुबई जैसा देश जब भारतीय ग्रंथ गीता को पढ़ाने की पहल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।